लोग जा रहे हैं मम्मा के पास, मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या होगा, खुदा खैर ही करे, आप सबने दुआएं करनी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आरपी। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो अभी हम उठे थे, मैं तो मतलब के सोया हुआ था, तो चूल्हे वाला आया, मैंने बोला सबसे पहले भाई इसको पकड़ना है, कि कल भी आए थे और निकल के आए। आज मैंने अरुण को बोला था जैसे ही आए ना मुझे बताना, उठा देना फौरन से। मैं फौरन उठा, मैंने बोला चूल्हा बनवाना है सबसे पहले। तो हमारा खाली ना एक ही पोर्शन चल रहा है, ये वाला बकाया, ये भी नहीं चल रहा, 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 और नीचे से गैस लीक हो रही है। अभी मैंने भाई को बोला पूरा इसको जो ना बना दो अच्छे से और इसकी सर्विस कर दो। तो भाई अभी बोल रहा है मैं सर्विस भी कर दूंगा, बना भी दूंगा। तो मैंने भाई को बोला भाई भाई से भी अच्छे लगा लेना। भाई बोल रहा है ये भाई 10-20 हज़ार रुपये का चूल्हा है, तो ये जाके पूछना। मैं क्या लेकर जाओगे, ये इधर ही बनाओगे? बोल रहा है ये कोई ले गया तो वापस नहीं ले आसी है, हैं कि कहते हो है कि आते वापस ना आसी ना ले आसी बंदा, बस ये चीज़ मिलनी नहीं है। ये मम्मा ने लिया तो बहुत टाइम पहले लिया था। तो अगर आज हम ये चूल्हा पूछने जाएंगे ना 1500 रुपये का होगा कम से कम। इन्होंने आज से पता नहीं 4-5 साल पहले लिए, 10,000 रुपये तब लिया इन्होंने। हाँ बोला ये काम सबसे पहले जरूरी है, अगर चूल्हा ऑन हो गया ना किचन का समझो सारे काम सेट हो जाएंगे। और आज ये भी लग जाएगी, भाई मेरा आएगा ना तो वो लगाएंगे कील, क्योंकि मैं इसका रिक्स नहीं ले सकता, इसके अंदर से ना कील लगेंगे, वो लगेंगे हथौड़ी के साथ, तो इसलिए ये ना हो थोड़ी कहीं और लगे तो टूट फूट जाए। सभी मैं जो ना जाने लगा हूँ सामान लेने के लिए इसका, अगर पता करते हैं कि ये लोग जो होते हैं ना ये बहुत मेरे को बोरे 1000 रुपए का पाइप है। ये जो एक पाइप होता है ना ये वाला, और हमने इसको वॉश किया था इसलिए जंग लग के ना इसके पाइप सारे टूट के खराब हो गए, ऐसा हुआ। तो अभी मैंने ये वाला पाइप पूछा 100 रुपये का बोल रहे मेरे को, और उसके 2 वॉल ये वाले चाहिए हमें बस, और कुछ भी नहीं है। अगर ये 2000 के अंदर अंदर बन जाता है, देखो ये बहुत महंगा चूल्हा है, जिनके पास होगा उनको पता है। अगर आज हम पता करने जाएं ना ये तो 15,000 10,000 12,000 से कम ये वाला नहीं मिलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ ये 3,000 के अंदर अंदर यही बन जाए ना तो यही बेहतर है यार। अभी अभी मैं चूल्हा लेकर आऊँ नया, फिर उसको वो करूँ वो करूँ, तो ये पता क्या ये रीसेल भी नहीं होगा। अगर करेंगे भी ना कचरे के बाय करेंगे, कबाड़िए को बेचना पड़ेगा, तो वो लेगा इसके मेरे ख्याल से 100-200 रुपये, तो फायदा नहीं ना। ये चीज़ अगर मैं इनको वापस देता हूँ ना, ये लोग 3,000 रुपये लगा के वापस 10,000 का भेज देंगे अच्छे होते हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जाता हूँ सामान पता करके आऊँ। भाई इसके जो वाशले ना वो मिल रही हैं, और क्या बोलते हैं उसका पाइप नहीं मिल रहा, पाइप नहीं है। मैं देख रहा हूँ वहाँ चूल्हे वाली सामने दुकान है, वहाँ से पता करता हूँ चूल्हा कितने तक क्या, नहीं तो वही उठा के ले जाऊँगा चूल्हा। चूल्हा समझ आ गया, मैं चूल्हे ही ले जाऊँगा यहाँ से, देखते जाके कितने के। चूल्हा देखने आया हूँ, एक ये वाला अच्छा लगा मेरे को, एक ये 9,500 रुपये का बोल रहा है, और एक ये वाला अच्छा लगा ये वाला, तो ये पता नहीं कितने का बोल रहा है, ये 7,500-6,000 रुपये का बोल रहा है। ये वाला कितने का बताया? हाँ भाई ये वाला 7,500 का बताया। तो यार क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं है, लेकिन लेना तो है, मैं 4 रुपये ले जाऊँ क्या करूँ। मैं आया हूँ यहाँ पर जिंदा बिरयानी लेने के लिए, क्योंकि इतने दिन से मेरा दिल कर रहा है, और मोमी का भी कर रहा था, कल भी कर रहा था हमारा, तो उन्होंने ले ली। मैं क्या चलो यहाँ आया हूँ तो यहाँ से सही है, वो टाइट है, जद्दा बिरयानी बहुत मज़े की होती है। रश देखो उसके पास, इसका रायता बड़ा टाइट होता है। चले जी बिरयानी तो हमने ले ली, इनका रायता बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो होता भी पैक के पता है, और ये क्वालिटी है इनकी। अभी से नहीं पता नहीं, हम जब छोटे छोटे तब से देख रहे हैं, पकड़ लिया मैं एक डबल ले ली और एक सिंगल ले लिया, बहुत है हम सबके लिए। अपने बेगम के लिए कुछ लाया था, और उनको मैं बोल रहा हूँ क्या लाऊंगा बताओ, बोरी क्या होगा, मैं कल बोल रही थी। देखा इसको, इसने मुझे कल बोला था, और मेरा भी दिल कर रहा था, मैं बोला नहीं आज नहीं, फिर एक दो दिन में खाएंगे, क्योंकि अभी गला भी सेट हुआ है ना थोड़ा सा, इसलिए फिर खराब कर लेते भी सेट। हम क्यों सेट हुआ है हमारा गला है, है भाई? अरे पता क्या हुआ, वो पाइप नहीं मिल रहा उसका ना, वो बोल रहे पाइप नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला यार छोड़ो फिर अल्लाह मालिक है, अगर पाइप मिल जाता ना तो फिर मैं करवा लेता, हो जाएगा, थोड़ी खुआरी है लेकिन हो जाएगा, लेकिन मैं बोर हूँ। मैं कहते नया ले आते बहुत, जब से गजब घर लिया था तब लिया था, वो तो है लेकिन अभी नहीं बन, फिर खराब हो जाता। अभी मैंने ये वाला चूल्हा पूछा पता कितने का है, ये कम से कम 15,000 रुपये का बोल रहा था, ये वाला वहाँ पड़ा हुआ था ना, लेकिन वो ओवन के साथ फिक्स हुआ था। तो अभी आपको एक मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने कल से मुंह हाथ नहीं धोया, क्योंकि हमारा फेस वॉश खत्म हो गया है, तो अभी हम जाएंगे मार्केट तो वहाँ से फेस वॉश भी लेंगे। मतलब कि कल भी पानी ऐसे मारा है, देखो एक जो स्किन होती है मतलब कि वो डस्ट निकालता है फेस वॉश, वो पानी थोड़ी निकालता है, पानी तो खाली वैसे मुँह पे मारा, लेकिन एक बहुत ही पुराने जमाने में लोग कैसे करते होंगे, ऐसे साफ हो जाता होगा मुँह। सर्दी है हाँ हमारा, लेकिन ये कि हमारा पानी काफी ठंडा हो गया है, जहाँ फिर इंसान रहता है ना वहाँ का यूज्ड हो जाता है, यूज्ड टू यही है। और मुझे किसी ने बोला था कनाडा की सर्दी कुछ भी नहीं कराची की, हमें पता है यार हमारे पंजाब की सबसे ज्यादा होती है सर्दी, हमारे पंजाब की कुछ नहीं, वो तो बहुत हाई लेवल पे होती है ना, फिर
वहाँ जैसी बात है बर्फ होती है उसका फिर सेंटीमीटर वो माइनस में चली जाती है, तो इसलिए छोड़ दो बस। आ जाओ मेरा पर्स ले लो वहाँ से, मेरा पर्स उठा के ले आओ, पर्स बोल रहा हूँ बटवा वॉलेट, मेरा वॉलेट ले आओ बस वहाँ से, अपना छोड़ दो अभी आ जाओ जल्दी बस निकले यहाँ। तो व्यूअर्स अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मा के पास, मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हो गया पता नहीं क्या हुआ, खुदा खैर ही करे, आप सबने दुआएं करनी है। तो मेरे को सिस्टर की कॉल आई है, बोले पता नहीं मेरा जो सिस्टर का बेटा है रहती उनको उठाने लगी और एकदम से पता नहीं क्या हुआ घुटना जो होता है ना वो पता नहीं भल मार गया क्या हुआ है, यहाँ घुटना सीधा नहीं हो रहा उसके बाद, तो उनको शुगर भी ना तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी, खुदा बकाया खैर करे भी चलते तो देखते क्या हुआ, मैं तो खाना खा रहा था टेंशन में तो फ़ौरन निकल रहे तो चलाओ यार होमी जल्दी करो निकालो वहाँ से ताला निकालो जल्दी जल्दी करो बस इतनी टेंशन हो। पहले जी घर पे आ गए, पहले जाके देखते क्या हुआ है। तो घर आए थे आपको बताया था जैसे मम्मा को हुआ है, जैसे मम्मा के घुटने में ना जैसे टिश्यू होते हैं ना पाँव के अंदर तो वो टिश्यू फट गया है, तो ये मसला हुआ है। तो मम्मा से जो ना मतलब कि ऐसा है कि हम लेने जा रहे हैं चेयर जो हुआ थी ना वॉशरूम वाली चेयर लेने जा रहे, देखो ऐसा भी दिन आ जाता है खुदा माफ़ करे, ऐसा कह रहे इतना कोई बड़ा मसला नहीं है छोटा सा मसला ही है, लेकिन हिम्मत वाली है ना वो जरा भी मतलब जो है ना तो मास फट जाता बहुत, अब वो पता नहीं फटा कैसे, देखो ना कहीं टक्कर लगी हुई होता है ना, टक्कर लगी हुई या कोई चीज लगी हो कुछ भी नहीं हुआ, खड़े खड़े हो गया देख लो, खुदा माफ करे बस तो आप सबने दुआ करने की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए जल्दी से, उनको तकलीफ बहुत हो रही थी, मैं बोल रहा चलो ले आते हैं यार चलते मैं स्कूल चला चूल्हा वगैरह आप कल ही देखेंगे, कल देखेंगे या देखते हैं अभी रात में जाके देख लेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ पहले ज़रूरी है। हाँ तो अभी जो ना फाइनली हम आ गए हैं चेयर लेके, तो आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, मेरी बहन जो ना मछली इतनी फ्राई करती है, मैं उनके व्लॉग में जब देखती ना मछली, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो ना फार्म हाउस डाला हुआ है मछलियों का है, कोई मछलियों के बच्चे बच्चे पाल के बड़े किए हुए, टैंक में मछलियां ये भाई, हाँ भाई क्या चक्कर है टैंक में मछलियां आप लोग के, इतनी रोज ही मछलियां, मैं बोलता हूँ कौन से, जब मैं उठता हूँ मैं देखता हूँ उठेगी मैं मछली फ्राई करने लगी हूँ शाम में, मैं हस्बैंड जी आ रहे हैं वो मैं क्या कितनी मछलियां क्या फार्म हाउस डाला है वाकई ड्रम में मैंने डाली है नो फ्रीज करके रखे। तो आप लोगों ने जो ना इनके व्लॉग में जाना है और जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इतने सारे करवा दिए, आगे भी सब्सक्राइबर करो जल्दी जल्दी जाके बस सबसे ये वीडियो भी देखनी लाइक भी करनी, ये नहीं कि आप लोग आगे समझ रहे पूरी पूरी वीडियो देखनी कमेंट करना है, और जॉनसन रोमा जॉनसन के नाम से इनका चैनल है तो आपको मैं ये देखें लिख देनी चाहिए। हाँ तो व्यूअर्स फाइनली हम लोग जो ना घर पे आ चुके हैं, तो आज का ये सीन था कि जो सबसे पहले तो ये बता दो चूल्हा, आप लोग बोल रहे हो कि क्या हुआ उसका क्या हुआ, उसने जब बताया ना 8,500 रुपये तो मैंने बोला उसको कम करो कम करो, मैंने बोला जो ठीक है वो बोले इतने नहीं होंगे, उसने फाइनल जो ना फिर क्या किया मेरे बोलने से पहले ना उसने बोला आप दे दो मेरे को 8,200 रुपये, तो मैं उनसे फाइनल कर दिया, मैं क्या मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहता 7,000 रुपये ले लो, मेरे को चीज़ पसंद आ गई थी, तो बाद में बोलता रुको मैं फ़ोन करके पता करता हूँ फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने बोला नहीं फाइनल, फिर खाली उसने 500 रुपये कम किए कुछ भी नहीं कम किया, वो बोला 8,000 रुपये का, फिर मेरे को ये लगा यार शायद कहीं महंगा है वो हो सकता है ये थोड़ा महंगा मेरे को पड़ रहा है, 7,000 तक का सही था तो मैं 7,000 उसको बोला हुआ था, तो उसके बाद फिर मेरा ये जेन किया कि लेना तो है ये यार, तो मैं क्या करता हूँ ओमी को भी साथ ले जाऊँगा ना, तो मैं बोला चलो उसको भी साथ लेता हूँ, तो क्या करता हूँ ले आएंगे फिर दोनों पसंद का भी देख लेंगे, खाना खा ही रहे थे तो फोन आ गया घर से, बस फिर हम लोगों ने खाना भी किया, हमने बस टेंशन से पूरा वो भी नहीं हुआ ये पड़ी हुई वो उधर पड़ी हुई ना बिरयानी, टेंशन हो रही हमने खाना भी सही से कर बस चलो खाया है, लेकिन मतलब कि उस तरीके से जैसे होता है ना आराम से तरीके से टेंशन में एक साल आ जाता है बाद में, चलो आप सबने जो ना मम्मा को रखना है दुआओं में याद, बहुत सारा भी ऐसी वो इंचार्ज है हर चीज उनको देखनी अपनी वार्ड की, तो मतलब उनकी बहुत जिम्मेदारी है, तो यही बात है अभी वो पता है कितनी मुश्किल से मैनेज कर रही थी, अभी फ़ौरन से उन्होंने अपने स्टाफ को कॉल किए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया सुबह ये आज रात को ये आज सब उन्होंने मैनेज कर दिया, तो अभी हम तो फिलहाल बड़ा मैं परेशान होता था बकाया, अभी बताते हैं क्या हो और बातें हुई हैं वो मैं बताता हूँ आपको कॉमी के व्लॉग में, तो वहीं चलते, तो आज का व्लॉग ये वाला हमारा यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना कमेंट करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल अच्छे के व्लॉग के साथ।